हेलो दोस्तों, मैं सुनीता सोम आपका अपने किचन में स्वागत करती हूँ। आज हम बनाने जा रहे हैं कढ़ी पकोड़ा। कढ़ी तो सभी को बहुत ही टेस्टी लगती है, हमारे यहाँ करवा चौथ पर कढ़ी बनती है। मैंने सोचा क्यों ना आपके लिए बिना लहसुन प्याज के हींग जीरे वाली कढ़ी बनाऊँ। देखो दोस्तों, कितनी अच्छी पकौड़ियाँ और कढ़ी बनी है। चलो अब शुरू करते हैं हम कढ़ी बनाना। उसके लिए सबसे हम पहले बनाएंगे पकौड़ियाँ। उसके लिए एक कटोरी के करीब हमने लिया है बेसन। उसमें डालेंगे मिर्ची, थोड़ी सी मिर्ची डालें, थोड़ा सा ही नमक डालें, थोड़ी सी हल्दी और थोड़ा सा चुटकी भर के लिए सोडा डालना है हमें। इन सारी चीज़ों को मिला लें। दोस्तों आज मेरा गला ख़राब हो रहा है, इसलिए प्लीज़ मेरी आवाज़ ऐसी हो रही है। इन सारी चीज़ों को मिला लें, पानी डालकर इसे हम अच्छी तरह से फेंट लें। देखो दोस्तों, इस तरह से हमें फेंटना है इसे। ये हमारा फेंट लिया है हमने इसे। देखो इस तरह से हमें चाहिए पकौड़ियों के लिए। इसे हमें पतला नहीं करना है ज़्यादा। अब हमने फ्राई पैन में अपना तेल गरम करके रखा है। सरसों के तेल को हमने गरम किया था, उसमें हम चम्मच की सहायता से छोटी छोटी पकौड़ियों को उतारेंगे। देखो दोस्तों, हमें ज़्यादा चम्मच नहीं भरनी है, आधा चम्मच के करीब ही लेना है। देखो कितनी अच्छी तरह से डाल लेंगे दोस्तों। इसी तरह से हम सारी पकौड़ियों को धीरे धीरे करके डालेंगे। देखो दोस्तों, हमने सारी पकौड़ी डाल ली है। अब इन्हें पलटते हुए सेकेंगे। देखो थोड़ी सी हमारी ब्राउन हो गई है, इसी तरह से सेक लेना हमें। जो ज़्यादा ब्राउन हो गई है उन्हें हम निकाल लेंगे, और जो दूसरी हैं ये इन्हें भी हम ब्राउन होने तक इन्हें पकाएंगे। अब ये भी हमारी ब्राउन हो चुकी हैं, इन्हें भी हम निकाल लेंगे। देखो दोस्तों, हमारी पकौड़ियाँ कितनी अच्छी बनकर तैयार हुई हैं। देखो एकदम जालीदार। अब हम बनाएंगे कढ़ी। उसके लिए सबसे पहले हमने लिया, आधा किलो लिया है दही। इसे हमने बड़े बर्तन में डालकर इसे रई की सहायता से बिलो लेंगे। आप इसे ग्राइंडर से भी कर सकते हैं, यहाँ मैं रई से कर रही हूँ। इस तरह से इसे बिलो लिया है मैंने। अब एक कटोरी में मैंने थोड़ा सा पानी लिया है, उसमें डालूंगी मैं। ये मैंने 5 चम्मच बेसन लिया है। इसे मैं चमचे की सहायता से अच्छी तरह से फेंट लूंगी, जिससे इसमें गांठें ना रहे। दोस्तों इसे मैंने फेंट लिया है। अब मैं इसे दही में मिला दूंगी, इसे मिक्स कर लूंगी। अब मैंने 1 कटोरा भर के इसमें पानी डाला है। ये आपके ऊपर है, आपको कितनी पतली चाहिए। दोस्तों मैं ज़्यादा पतली नहीं बना रही हूँ। अब मैंने कढ़ाई में ऑयल गर्म करके रख लिया है। इसमें डालिए हींग, डालूँगी आधा चम्मच मेथी, आधा चम्मच के करीब जीरा, फिर डालूँगी इसमें आधा चम्मच के करीब राई, थोड़ी सी डालूंगी अजवाइन। आप इसमें से थोड़ा कम भी कर सकते हैं मसाले। अब इसमें आखिर में डालूंगी मैं करी पत्ते। इसमें अब जल्दी से मैं अब इसमें ये अपना मट्ठा डाल देंगे हम, और इसे साथ के साथ चलाते रहेंगे, क्योंकि हमें इसे लगातार चलाना है। अगर हम इसे लगातार नहीं चलाएंगे तो ये हमारी कढ़ी फट जाएगी। चमचे की सहायता से चलाते रहें, और साथ में इसमें डालेंगे हल्दी पाउडर, मिर्ची पाउडर आधा चम्मच, धनिया पाउडर मैं यहाँ 2 चम्मच के करीब डालूंगी,
अब इसे साथ के साथ चलाते ही रहे और इसमें डाल देंगे स्वाद अनुसार नमक। अब हमने अपने मसाले डाल दिए हैं, अब हमें इसे धीरे धीरे चलाते हुए जब तक उबाल ना आ जाए पकाना है। अब इसमें मैं थोड़ी सी डाल दूंगी चार मिर्चें हरी, ये मुझे बहुत ही अच्छी लगती हैं कढ़ी में, इनका स्वाद बहुत अच्छा लगता है। अब इसे हम उबाल आने तक पकाएंगे। देखो दोस्तों, अब ये हमारी उबलने लगी है, अब हमें इसे चलाने की ज़रूरत नहीं है, अब इसे हम पकने देंगे। जब अच्छी तरह से इसमें उबाल आ जाएगा तो दोस्तों इसके चारों तरफ एक पापड़ी सी आ जाएगी। देखो, इसका मतलब है हमारी कढ़ी अब अच्छी तरह से पक गई है। अब हम इसमें डाल देंगे अपनी ये पकौड़ियाँ जो हमने बना के रखी हुई हैं। अब पकौड़ियों को डालकर हम इसे 5 मिनट के लिए अच्छी तरह से पकाएंगे। अब इसमें डाल देंगे हम गरम मसाला 1/2 चम्मच और थोड़ी सी डाल देंगे हम कस्तूरी मेथी, इससे स्वाद और बढ़ जाएगा। अब हमारी कढ़ी बनकर तैयार है। देखो, हमारी पकौड़ी भी फूल गई हैं। अब इसे हम अपने एक बाउल में कर लेंगे। अब हमने करेंगे तड़के की तैयारी। हमने तेल गरम करके रखा है, उसमें हींग डाली है, 2 मिर्चें डाली हैं। अब इसमें देगी मिर्च डालकर इसे हम अपनी कढ़ी के ऊपर डाल देंगे जो हमने बाउल में कर रखी है। देखो दोस्तों, हमारी कढ़ी का क्या कलर आया है, खाने में बिल्कुल स्वादिष्ट। अब हम आपको एक पकौड़ी भी काट कर दिखाएंगे, देखो चम्मच की सहायता से। देखो दोस्तों, कितनी सॉफ्ट बनकर तैयार हुई है। अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।